गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टार्ट अवर प्रीवियस यूनिट फर्स्ट ए वेक अप. ओके, लास्ट डे हमने यूनिट फर्स्ट का ए नंबर पढ़ा था, हमने रीडिंग किया था हमने उस पोयम को वेक अप, जिसके पोएट हैं सी फ्लेचर. ओके, तो चलिए आज हम इस पोयम को हिंदी में समझते हैं. ओके, चलिए, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. वेक अप, वेक अप मीन्स होता है उठना. ओके, सो वेक अप, वेक अप, उठो उठो. इट्स अ लवली डे, है ना, यह जो दिन है वह बहुत ही लवली है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है. ओ प्लीज गेट अप, ओ है ना, कृपया उठ जाओ, है ना. वेक अप मीन्स अब तो उठ जाओ, है ना. जो पोएट है वो आप देख रहे हैं पिक्चर में, है ना, जो ये बच्चा बना हुआ है उसके लिए पोएट बोल रहा है कि अब तो उठ जाओ. ओके, एंड कम एंड प्ले, और आओ खेलें. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, है ना, जो बर्ड्स हैं वह पेड़ों पर क्या कर रही हैं, गा रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं, ना गा रही हैं. आपने देखा होगा जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग पे उठते हैं तो सबसे पहले आपको बर्ड्स की आवाज़ आती है, उनके सिंगिंग करने की आवाज़ आती है, उनके चहचहाहट की आवाज़ आती है. फिर नेक्स्ट है एंड यू कैन हेयर द बजिंग बीज, एंड क्या तुम मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ भी सुन रहे हो, है ना. तो पोएट जो है वह बोलता है उस बच्चे से ये कि उठो उठो, है ना, कि देखो यह कितना प्यारा दिन है, है ना. ओ अब तो उठ जाओ, कृपया उठ जाओ, और आओ खेलें, है ना. जो पक्षी हैं वह भी पेड़ों पर गा रही हैं, और क्या तुम्हें मधुमक्खियों के भुनभुनाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, है ना. जब भी आप मॉर्निंग पे उठते हैं, आप भी देखते होंगे, यदि आपके घर पे आपके बेड के पास यदि कोई विंडो होती है या फिर उस रूम पे जो विंडो होती है, आप भी देखते होंगे वहाँ पर चिड़िया जो रहती हैं, छोटी छोटी स्पैरोज जो होती हैं वो आकर चहकने लगती हैं, उनकी आवाज़ आती है बर्ड्स की, है ना. और सुबह मॉर्निंग पे आप कैसा फील करते हैं, तो वो इस पोयम में आपको बताया गया है. ओके, चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं. वेक अप, वेक अप, उठो उठो. इट्स अ लवली डे, यह जो दिन है बहुत ही लवली है. ओ प्लीज गेट अप, कृपया अब तो उठ जाओ. एंड कम एंड प्ले, और आओ उठ और खेलो. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, है ना, यह बहुत ज्यादा देर हो चुकी है तुम्हें बिस्तर पर, है ना, तुम्हें बेड पर बहुत ज्यादा लेट हो चुका है. सो हरी अप, तो जल्दी करो. यू स्लीपी हेड, है ना, क्या तुम स्लीपी हेड हो, मीन्स क्या तुम ज्यादा सोने वाले हो, या फिर एक स्लीपी हेड मीन्स यहाँ पर एक जो लेजी रहते हैं ना उनके लिए यूज किया गया है ये वर्ड, है ना, कि तुम्हें बेड पर लेटे हुए अब बहुत ही ज्यादा, सोते हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, तो जल्दी करो अब उठो. नेक्स्ट है वॉश एंड ड्रेस, जैसे आप सुबह उठते हैं तो फ्रेशन अप होते हैं, तो वही पोएट बोल रहा है कि वॉश एंड ड्रेस, है ना, उठो और फ्रेशन अप होकर कपड़े पहन लो. एंड और आओ, बाहर आओ. एवरी वन इज अप एंड अबाउट, सभी जो हैं वह तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं. कौन जो उनसे पहले उससे पहले उठ चुके हैं, कौन कौन यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में सबसे जल्दी उठ चुके हैं. द काऊ, है ना, काऊ उठ चुकी है. द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, ये सभी एनिमल जो यहाँ पर दिए हैं, काऊ, हॉर्सेस, डक्स एंड शीप, ये सभी जो हैं मॉर्निंग पे जल्दी उठ चुके हैं. नेक्स्ट है एंड द शीप, शीप भी उठ चुकी है. फिर नेक्स्ट है द टीनियस चिकन, चीप चीप चीप, और जो सबसे छोटी बर्ड है चिकन, है ना, वह भी उठ चुकी है, जो आवाज कर रही है. कैसी आवाज कर रही है, चीप 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 की आवाज कर रही है. सो वेक अप, उठो, है ना. जो पोएट है सी फ्लेचर, इस पोयम के पोएट कौन है, सी फ्लेचर. ओके, तो ये जो है वह जगा रहे हैं बच्चों को, उन्हें बता रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं वह सिंगिंग कर रही हैं, बजिंग बीज, मधुमक्खियों के भुनभुनाने की आवाज आ रही है, है ना, तुम्हें बहुत लेट हो चुका है बेड पे, अब तो उठ जाओ, है ना. और तुमसे पहले कौन कौन उठ चुका है, यहाँ पर एनिमल्स के नेम दिए हैं, यहाँ पर काऊ, हॉर्स, डक और शीप, और सबसे छोटा बर्ड जो है चिकन, वह भी उठ चुका है, तो अब तुम भी उठ जाओ, है ना, हरी अप, जल्दी से उठ जाओ. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है पोयम आपकी, तो आप
आई होप आपने अपना होमवर्क लास्ट डे जो मिला था आपको आपने कंप्लीट किया होगा। तो आप इस पोयम को लिखे होंगे अपनी फेयर कॉपी में, है ना। तो उसके बाद जो आपको वर्ड मीनिंग दी हुई है, नीचे न्यू वर्ड दिए हुए हैं, देखिए, लवली, बजिंग, स्लीपी हैड और टिनियस। तो आपका होमवर्क है कि आप ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनकी मीनिंग आप फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।